जर्मनी यूरोप के शक्तिशाली देशों में से एक है। इस देश से कई विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक और दार्शनिक निकले हैं। भारत के भी लाखों स्टूडेंट चाहते हैं कि वो जर्मनी के बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करें। जर्मनी की कई खूबियाँ दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जानिए जर्मनी की ऐसी बातें जो थोड़ी अनोखी और अजब है। जर्मनी के बोन शहर में रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक देह धंधा वैध है। रात 8 बजे के बाद जिस्म का सौदा करने वाली युवतियां शहर के गलियों में घूमती हैं और मनचाही कीमतों पर ग्राहकों को फंसाती हैं। मगर अब उन कॉल गर्ल्स को गलियों में घूमने और धंधा शुरू करने से पहले सड़क के किनारे लगे मशीनों से टिकट लेना होगा। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक देह धंधे के लिए एक रात के टिकट की कीमत 5.30 पाउंड होगी। यह कीमत फिक्स है, चाहे कॉल गर्ल्स कितने भी ग्राहकों को फंसाए। यह मीटर बिल्कुल सड़क के किनारे लगे होंगे। यह मीटर बिल्कुल पार्किंग मीटर की तरह होगा और वैसे ही काम करेगा। मीटर के उपयोगकर्ताओं को बताएगा कि उन्हें कब टिकट की ज़रूरत है। अखबार की माने तो अगर कोई पुलिस वाला कॉल गर्ल्स को बिना टिकट के पकड़ता है तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा या फिर उसके धंधे पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। वॉन सिटी काउंसिलिंग की प्रवक्ता मोनिका फ्रामबेग ने बताया है कि यह टैक्स सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि सेक्स वर्कर्स में समानता की भावना रहे, क्योंकि चकला घरों या फिर क्लबों में काम करने वाली कॉल गर्ल्स टैक्स भरती हैं। मालूम हो कि जर्मनी के केवल वॉन शहर में करीब 200 सेक्स वर्कर काम करती हैं, जिन्हें वहाँ स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट्स के नाम से जाना जाता है। बर्लिन पेरिस से 9 गुना बड़ा है और वेनिस के मुकाबले यहाँ पर ब्रिज की संख्या ज़्यादा है। जर्मनी में अगर कोई कैदी जेल से भागने का प्रयास करता है तो उसके लिए सज़ा नहीं दी जाती। वहाँ ऐसा माना जाता है कि कैदियों का जेल से भागने का प्रयास करना स्वाभाविक है। सबसे ज़्यादा किताबों की छपाई करने वाले देशों में जर्मनी का नाम भी शुमार है। दुनिया की पहली मैगजीन 1663 में जर्मनी में लॉन्च हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोकोला का आयात जर्मनी में नहीं हो रहा था, इसलिए यहाँ फैंटा बनाया गया। जर्मनी और जापान में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले जन्म दर सबसे कम है। यहाँ पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करना गैरकानूनी है, वहीं शराब पीना कानूनी है। यहाँ होमोसेक्सुअल लोगों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव करना कानूनी अपराध है। यूरोप में जर्मनी शराब की खपत के मामले में दूसरे नंबर पर है।